This is the entry to the temple, Shri Kal Bhairav Mandir. So guys, ये पूरा steep है, it's very deep. Hey guys, good evening. Welcome to the channel and good evening from Harihareshwar. पिछले व्लॉग में आपने देखा रहेगा हम हरिहरेश्वर ऑलरेडी पहुँच चुके थे और मैंने व्लॉग वहीं पे ख़त्म किया. तो ये मैं दूसरा व्लॉग चालू स्टार्ट कर रहा हूँ. अभी हम हरिहरेश्वर के मंदिर जा रहे हैं. सो गाइस, हम पहुँच चुके हैं हरिहरेश्वर मंदिर में. जो हमारा होम स्टे वहाँ से ज़्यादा नहीं, एक 5 मिनट की दूरी पर था, 5 मिनट भी नहीं, उससे कम था. सामने आप देख सकते हो ये मंदिर है. अभी ज़्यादा भीड़ नहीं है, मतलब मैंने सोचा कि लॉन्ग वीकेंड है तो भीड़ रहेगी, लेकिन मेरा एक्सपेक्टेशन से काफ़ी कम है भीड़. तो अभी यहाँ पे जूते उतारते हैं और फिर दर्शन लेते हैं. तो ये राइट में बीच है. दिस इज़ द एंट्री टू द टेम्पल, श्री काल भैरव मंदिर. तो गाइस, दर्शन हो चुके हैं, बहुत अच्छे दर्शन मिले. मतलब जैसे मैंने कहा था, जो एक्सपेक्टेड जो भीड़ थी उतनी भीड़ नहीं थी. तो हमारे दर्शनों के अंदर कैमरा अलाउड नहीं है. हरिहरेश्वर को दक्षिण काशी भी कहा जाता है, मतलब दक्षिण की काशी, जैसे काशी विश्वनाथ है, वैसे ही इसका भी वही महत्व है. तो अभी हम यहाँ मंदिर के पीछे जाते हैं. यहाँ पर कुछ है, मैं जब कभी गया नहीं, तो वहाँ पर जाते हैं, आपको बताते हैं वहाँ पर क्या है. प्रदक्षिणा मार्ग. ओमकारेश्वर लगन है प्रदक्षिणा. तो गाइस, बेसिकली हम क्या कर रहे हैं आपको बताता हूँ. तो ये प्रदक्षिणा है, मतलब हरिहरेश्वर, जैसे ओमकारेश्वर में आप जाते हो तो वहाँ पे भी प्रदक्षिणा है, वैसे ही हरिहरेश्वर में भी इस पर्वत की प्रदक्षिणा है. तो ये शायद से कॉलेज या स्कूल पिकनिक आई है. अच्छा है यार, ऐसे जगहों पे लानी चाहिए पिकनिक, ना कि किसी रिजॉर्ट, वो है वाटर पार्क वगैरह, वहाँ पे कुछ नहीं करते लोग. Oh guys, see this. See this. So guys, ये पूरा स्टीप है, इट्स वेरी डीप, आप देख सकते हो, बट इट्स रियली ब्यूटिफुल. सो गाइस, आप देख सकते हो ये रॉक फेस पे कैसे कर्वेचर्स आए हैं. एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द वेव्स. ये कालवे थे. सो गाइस, देखिए ये कितना खूबसूरत है. इट्स रियली ब्यूटीफुल, रियली ब्यूटीफुल. मैं हरिहरेश्वर बहुत पहले आया था, बहुत पहले.
गाइस आप देख सकते हो धूप इतनी तेज़ है, मुझे आँखें भी खोलने को नहीं हो रही है। तो आप देख सकते हो बहुत खूबसूरत है, बहुत। गाइस इतने सारे फ़ोटो हमने यहाँ पे खींचे, मतलब सो ब्यूटीफुल, एकदम नेचुरल फिनोमेना है। मतलब ऐसे कुछ नहीं कि भाई आर्टिफिशियल है, नेचुरल फिनोमेना है। ऐसे लगता है कुछ स्कल्पचर्स है, मतलब कार्विंग किया हुआ है। तो दिस इज नेचर्स कार्विंग और भोले बाबा का शहर है ये हरिहरेश्वर। तो चलो अभी बाबा के दर्शन हो गए, ये हमने देख भी लिया, अभी यहाँ से हम निकलते हैं आगे, आगे देखते हैं क्या है। सो गाइस अभी हम नीचे जा रहे हैं, आपने देखा इट वाज अ वेरी वंडरफुल फिनोमेना बोलो, आर्किटेक्चर बोलो या कुछ भी बोल सकते हो, बट या इट वाज रियली ब्यूटीफुल। तो अभी हम लोग वापस हरिहरेश्वर के मंदिर के यहाँ पे जा रहे हैं, बस नीचे उतर रहे हैं। गाइस ये जो मंदिर है, मतलब जैसे पुराना था आज भी वैसे। यूजुअली क्या होता है, बहुत सारे मंदिरों का पहले आसपास में उसको बढ़ाया जाता है, उसी के ऊपर बड़ी बिल्डिंग बन दी जाती है। लेकिन इस मंदिर की ये खासियत है कि ये जैसे था ये वैसे का वैसा है। आप देख सकते हो मैंगलोर टाइल्स है अंदर, अंदर का आपने अंदर शूट करने का अलाउड नहीं है, तो फिर मैं आपको बताता था अंदर भी आज भी वो जो लकड़ी वाला जो पहले होता था ना पिलर्स, वैसे वाले पिलर्स है। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं मंदिर से बाहर और यहाँ पे अभी थोड़ा थोड़ा नाश्ता करते हैं, क्योंकि सुबह से हम कचरा खा रहे हैं, मतलब कचरा एग्जैक्टली मिसल खा रहे हैं, फिर बड़ा पाव खाया, फिर एक ही रंग की चीज़ खाई है वो था मोदक। तो अभी यहाँ पे भी मोदक मिलता है, लेकिन हमने मंगाया है घावड़े और चटनी। तो घावड़े मतलब बेसिकली आप बोल सकते हो डोसा, जैसे डोसा होता है साउथ में, वैसे महाराष्ट्र में घावड़े होते हैं। मैं आपको दिखा दूँ ये कैसे दिखते हैं। तो जैसे डोसे का आटे को फर्मेंट किया जाता है, इसको भी ऐसे ही फर्मेंट किया जाता है, लेकिन इसमें सिर्फ राइस रहता है और कुछ नहीं रहता है। डोसा में आपका राइस रहता है, उड़द रहता है। तो चलो अभी घावड़े चटनी खाते हैं, थोड़ा पेट को भी आराम मिलेगा और फिर आपसे मिलते हैं। सो गाइस आप देख सकते हो पीछे सूरज डूब रहा है, मतलब हमने दिन जो शुरू किया था सूरज उगने के पहले और अभी सूरज डूब रहा है और यहाँ पे पिन ड्रॉप साइलेंस है। You can just hear the nature, और कुछ भी नहीं आवाज़ यहाँ पे। The next day. Hey guys, good morning. सुबह के 7:30 बज रहे हैं और अभी मैं उठा हूँ, कल का वीडियो मैं एंड नहीं कर पाया तो वो वीडियो मैं अभी यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। अभी बस अभी नहाना है और फिर यहाँ से निकलते हैं, देखते हैं आज क्या क्या घूमेंगे। उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और चैनल पे कमेंट डालना मत भूलिए। तब तक लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद। मतलब जो टर्टल फेस्टिवल वगैरह होता है वो उस कोने में होता है आगे जाके। सो काशी इज़ लुकिंग रियली ब्यूटीफुल। और इसका जो शेप है ना, इट्स लाइक अ शिवलिंग।